Now we will read about water plants. These plants live in water. Read the clues, look at the pictures and fill in the blanks. Use the help box to write your answer. अब पढ़ेंगे हम वाटर प्लांट्स के बारे में. वाटर जो प्लांट्स पानी में रहते हैं उनको हम वाटर प्लांट्स बोलते हैं. यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं और उस पिक्चर्स के साथ एक क्लू भी दिया गया है जैसे तुम्हें ये फिल करना है और यहाँ इसका आंसर दिया है उसको देख के हमको फिल करना है. तो फर्स्ट क्या है, दिस फ्री फ्लोटिंग पेरेनियल एक्वेटिक प्लांट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका. ये एक फ्री फ्लोटिंग पेरेनियल एक्वेटिक प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका का नेटिव है. इट हैज़ ब्यूटिफुल पर्पल एंड पिंक कलर फ्लावर्स. इट ग्रोज वेगोरसली एंड कैन रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली विच कैन कॉज ऑक्सीजन डिप्लेशन एंड इवेंचुअली किल द फिश. ये जो फूल होता है लगभग किस कलर का होता है, ये पर्पल और पिंक फ्लावर्स इसमें होते हैं और ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और इसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जो है घट जाता है जिसके वजह से मछलियाँ भी मर जाती हैं. तो ऐसे प्लांट्स का नाम क्या है, वाटर हाइसिंथ. क्या है, वाटर हाइसिंथ. स्पेलिंग देख लो, वाटर WATER वाटर HYACINTH वाटर हाइसिंथ. दूसरा है, दीज फ्लोटिंग प्लांट्स हैव स्मॉल फ्लावर्स विथ 5 येलो और वाइट पेटल्स. सम स्पीसीज ऑफ दीज प्लांट्स आर एक्वेटिक वीड्स. अब जो ये पेड़ का दिखा रहा है, ये पेड़ दिख रहे हो, ये इसमें छोटे छोटे फूल होते हैं लगभग पांच येलो और वाइट पेटल्स होते हैं इसमें. और ये कभी कभी ये जो है एक्वेटिक वीड्स के भी स्पीसीज हैं. इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है फ्लोटिंग हार्ट. व्हाट इट्स कॉल्ड फ्लोटिंग हार्ट्स. थर्ड है, दीज जायंट सी प्लांट्स आर एक्चुअली अ स्पीसीज ऑफ लार्ज ब्राउन एल्गी फाउंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड इन द टेम्परेट वाटर्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. दे ग्रो इन डेंस स्टैंड्स नोन एज केल्प फॉरेस्ट्स विच आर होम टू मेनी वाटर एनिमल्स. ये जो है जायंट सी प्लांट्स है जो कि बहुत ही बड़ा होता है ब्राउन एल्गी की तरह. ये कहाँ फाउंड होता है, पैसिफिक ओशन में फाउंड होता है और इसका टेम्परेट वाटर्स जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में है. ये डेंस एरिया में उगता है. देखो कितना घना जगह, घना जंगल के साथ पेड़ जो है पानी में उगता है. प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन जो है प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं, वहाँ होता है. और ये बहुत बहुत प्लांट्स का जो है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का जहाँ पे घर होता है वहीं पे ये उगता है. तो इसका नाम क्या हो गया, जायंट केल्प. इसका नाम क्या हो गया, जायंट केल्प. फर्स्ट है तुम्हारा वाटर हाइसिंथ, सेकंड है फ्लोटिंग हार्ट, थर्ड है तुम्हारा जायंट केल्प. अब फोर्थ है, दिस फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैज स्पॉन्जी ग्रीन लीव्स. दे फॉर्म थिक फ्लोटिंग मैट्स विच कवर्स द इंटायर सरफेस ऑफ द पॉन्ड. दिस एक्वेटिक वीड इज फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. अब ये जो पेड़ पौधा तुम देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और ग्रीन लीव्स के साथ होता है. एक ये थिक फोल्डिंग मैट, जिस तरह चटाई बिछ जाता है ना उसी तरह ये जो है पानी में फैल जाता है. ये पूरे सर्फ, जैसे हम यहाँ अपने यहाँ देखते हैं कुंभी, समझते हो ना कुंभी कैसे बिछा रहता है,
ऐसा लगता है कि वो पानी में नहीं है और चादर की तरह वो बिछा हुआ है, ठीक उसी तरीका से ये भी होता है। और दिस एक्वेटिक वीट इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, और इस तरह का जो पेड़ होता है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में फाउंड होता है। ये कहाँ, इसका नाम क्या है, वाटर कैबेज। देखो इसका नाम भी हो गया जल कु, ये वाटर कैबेज मतलब पानी में जिस तरह पत्ता गोभी बंद रहता है ना, उसी तरीका से ये पेड़ पे पूरा फैला रहता है, पत्ता गोभी की तरह फैल जाता है। दिस फ्री फ्लोटिंग वाटर, अब फिफ्थ है, दिस फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट ग्रोज कॉमनली इन स्टेंजेंट वाटर, इट इज़ एन एग्रेसिव इन्वेडर डेट में किल फिश इन द हैबिट बाई डिप्लीटिंग द ऑक्सीजन लेवल, दे कैन ऑल्सो किल सबमर्ज प्लांट्स बाय ब्लॉकिंग द सनलाइट। अब ये क्या है, एक फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट है जो ग्रो होता है स्टेगनेंट वाटर के साथ, जो कि बहुत ही एग्रेसिव होता है, और ये इतना इसका हैबिट इतना ख़राब होता है इस पेड़ का कि वो बहुत सारी मछलियों को भी मार सकता है। क्यों मार सकता है, तो उस पेड़ की वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और वो जो है दूसरे पेड़ पौधे का भी जान ले लेता है। ये क्या करता है, पूरे सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, वो एक दूसरे से ऐसा चिपका होता है कि थोड़ा सा भी सनलाइट वो आने नहीं देता है। अगर सनलाइट नहीं आएगा तो क्या होगा उसे कि किसी भी पेड़ पौधे को या फिर वहाँ पानी में रहने वाले जानवर को क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पेड़ भी मर जाएगा और जानवर भी मर जाएगा। तो उसका नाम क्या है, डकवीट, उस पौधे का नाम क्या है, डकवीट। एक बार फिर रिवीजन कर लो, पहला क्या है, द थ्री फ्लोटिंग पेरेनियल एक्वेटिक प्लांट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, इट हैज़ ब्यूटीफुल पर्पल एंड पिंक फ्लावर्स, इट ग्रो विगोरसली एंड कैन रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली विच कैन कॉज ऑक्सीजन depletion and eventually kill the fish, that is water hyacinth. Second है, the floating plants have small flowers with five yellow or white petals. Some species of these plants are aquatic weeds. Second is floating heart. Third है, the giant sea plants are actually a species of large brown algae found in the Pacific Ocean and in the temperate waters in the southern hemisphere. They grow in dense stands known as kelp forests, which are home to many water animals, that is giant kelp. Fourth, this free floating plants has spongy green leaves. They form thick floating mats which cover the entire surface of the pond. This aquatic weed is found in tropical countries. Water cabbage. Fifth, this free floating water plant grows commonly in stagnant water. It is an aggressive evader that may kill fish in the habit by depleting the oxygen levels. They can also kill submerged plants by blocking the sunlight, that is duck weed. तो आज हम लोगों ने पेज नंबर 32, 33 और 34 को फिनिश किया है। प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक, आइदर यू हैव योर बुक्स, प्लीज़ कंप्लीट योर बुक।